हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत महीने बाद बोल सकते हो आप लोग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30, घड़ी रही पीछे, एंड हितिका यहाँ रेडी हो रहे हैं। एंड ये देखिए घर की हालत, अभी कुछ भी नहीं हुआ, खाली मैं टिफिन पैक कर। तो आज टिफिन में बने हैं मेथी के पराठे एंड रायता दिया, एंड ये जाएगा फूड। जल्दी करो, टाइम हो गया। हम चले अब अपने झाड़ू अभियान में। कल बस लेट आया था, आज जस्ट 2-4 मिनट ही बाकी। ये लड़की इतनी लेट लतीफ है, मैं भी झाड़ू भी नहीं लगा पाऊंगी। 2-4 मिनट में कहाँ से इतना बड़ा आंगन झाड़ पाऊंगी। तो इसको जाने दे दे, फिर लगा दे, बाकी अंदर का सारा काम हो गया। मॉर्निंग भी चारों तरफ पूरा, मतलब हितिका बस आ गया बेटा, तुरंत आओ, हाथ में दवाई भी लगाना है, फटाक से डब्बा पकड़ के आओ। रोज का वही है, लेट करना लेट करना। एकदम कल पिकनिक है, जिसको जाना है वही लेट उठेगा खाली। हाँ जल्दी खाई है ना, पानी पी है ना, कुछ करी। तो देखिए बस, लेकिन वही है कि वो उसके चलते दिखाई नहीं दे रहा। वो देखिए आ गए, जल्दी नहीं आया, टाइम पे आया है, कल ही लेट आया था। खाली आप लेट करते हो। हे गाइस, कई बस चले हम लगते हैं अभी अपने सफाई अभियान। बस मेरे को झाड़ू लगा के नहाना है, मेरा सारा काम डन है। मैं ट्राई करती हूँ उसके रहते रहते मेरा सारा काम हो जाए घर का। गाइस, आई एम बैक, शारवा लेके आ गए। ठंड में सबसे बड़ा काम होता है नहाने का, लेकिन काम करते रहोगे तो फिर ठंड भी नहीं लगती उतनी, पता भी नहीं चलता कुछ। नहा लो, सबसे बड़ा काम खत्म। ठीक, नहा रही हूँ तो इधर फोन आ रहा है, तो दरवाजे पे कोई है, हड़बड़ा के निकली हूँ, फिर क्या हुआ करके। सो हे गाइस, ये हो गई हमारी पूजा, और ये रही हमारी श्री माता जी, छोटे से गणपति और छोटे से श्री महालक्ष्मी। देखिए, स्कूल में कुछ भी होता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, ये नहीं कि इससे मतलब शील्ड वगैरह अवार्ड वगैरह दे। ये क्या कहें, ये स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करी थी उसका है, एंड ये साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया था तो ये उसका है। चाय तो मैं आज पी चुकी हूँ, मतलब आज सुबह ही 6 बजे चाय पी ली थी क्योंकि भूख लग रही थी। पतिदेव को भी पिला दी थी उसी बहाने, वो चले जाते हैं फिर 6:30 तक। तो अभी एक पराठा बनाया जाए, खाया जाए, उसके बाद फिर वो आएंगे, खाएंगे आराम से। तब तक खाया जाए, पहले बनाती हूँ मैं। बाहर का वेदर देखिए, मतलब अभी सूरज निकलने वाला है, मतलब अभी तो देखिए पूरा होश से ढका हुआ बाहर, और ज़्यादा है देखो गेट पर। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पराठा, दिख रहा है, लेकिन वो लाल लाल है। ये देखिए दूध, ये रहा 1 लीटर, ये रहा 1 लीटर। एंड आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे यहाँ दूध की मलाई देखिए कैसे निकलती, देख रहे हो, मतलब एक रोटी भी इसे पतली बनाते हैं हम, इसलिए मेरे यहाँ घी अच्छा खासा हो जाता है। मैं यहाँ पे खाना भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ दूध बहुत ज़्यादा है, एक बार सोचा कि मिष्टी दो ही जमा दूँ, बट सोच रही हूँ खीर बनाते हैं, वो शॉर्टकट हो जाएगा, मिष्टी दही बनाने में बहुत टाइम लगता है। सूखा ही खा रही हूँ, रायते से बाद में खाऊँगी। पर खीर बनाने की तैयारी हो गई, 1.5 लीटर दूध में इतना चावल काफ़ी है, इतना बचाए हैं, इतना दही जमा दी हूँ, एंड ये रहा, एंड फ्रिज में अभी भी और, मतलब 3-4 दिन ऐसे हो गया ना, दूध कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था ना चाय में, मतलब आज सुबह दूध वाला चाय पी ली तो मुंह कड़वा लग रहा है कुछ, वैसे तबीयत
क्या ही है पता नहीं, बोलो कुछ ऐसा, ये बनाया जाए ये ख़त्म हो जाएगा। आजकल बनाते हैं ना कैरमलाइज करके चीनी को खीर, तो वही बना रही हूँ, ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं ज़्यादा जलाने नहीं वाली हूँ चीनी को, वरना मेरी खीर पूरी कड़वी हो जाएगी। अब रेसिपी बनाने वालों को क्या है, वो लोग तो कुछ भी बोल देंगे। तो देखिए चीनी अपने आप मेल्ट हो रही है, मैं छूंगी नहीं अभी जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होती, वरना सारी चम्मच में चिपक जाएगी। सॉरी, और गैस का फ्लेम अभी स्लो है पूरा। तो ये देखिए चीनी का कलर होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। और थोड़ा सा लाल करूँगी, इससे ज़्यादा अगर आपने फिर लाल किया मतलब आपकी जो ये चीनी है कड़वी लगने ही वाली है। बस हो गया, अब दूध ये हल्का गर्म वाला डाल दिया, अब बोतल वाला थोड़ा ठंडा है ना इसीलिए अब उसको बाद में डालूंगी। अब ये चीनी ऐसे जम जाएगी तो डोंट वरी, जैसे जैसे दूध गर्म होगा ना चीनी अपने आप मतलब मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए कुछ ऐसे, ये कलर परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अगर करें मतलब आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। इसके पहले एक बार जब मैं पुडिंग बना रही तब मैंने सारा दूध डाल दिया, मेरी चम्मच नीचे चिपक गई है, ये देखिए। बच गए नौ, मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ अपने फ्रूट्स, एप्पल लिया एक एंड एक लिया है अमरूद, इसीलिए एक थोड़ी रोटी खाई थी क्योंकि डायरेक्ट खाली पेट में मज़ा नहीं आता फ्रूट खाने में। उसके बाद फिर 11 बजे फिर दो रोटी खा लो हो गया, उसके बाद सीधे अपना लंच, उसके बाद बता ही दूंगी तो देखोगे क्या। ये देखिए हमारी खीर में कितना अच्छा कलर आया, एकदम कंडेंस मिल्क का जो कलर होता है पूरा, वही इसका सीक्रेट ये है कि धीरे धीरे जितना कुक होता जाएगा कलर उतना नेचुरल आते जाएगा। सो ये रहे पति देव के खीर एंड पराठे, एंड ये रहा मेथी का पराठा मेरा एंड ड्राइव। दुकान नहीं जाओगे हाँ? Hey everyone, अभी बज रहे हैं 3, जस्ट अभी खाना खा के उठे हैं, पति देव बर्तन धो रहे हैं, इधर आते के साथ फ़ोन, एंड मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर क्योंकि आज ज़्यादा खा लिया मैंने, लग रहा है मैं सो गई थी 12 बजे खाना बना के, क्योंकि आते हैं फिर 3 बजता फिर सोने को भी नहीं मिलता। अभी देखो बाहर शाम हो गए, एंड मैं जस्ट एंटर कर रही हूँ अंदर, थोड़ा वॉकशॉप कर रही थी। तो ये रहा अंडा ब्रेड, कल मैं बनाई थी अंडा ब्रेड, हितिका को बिना पूछे मैं मतलब मैं अब बना रही हूँ तो भाई बच्चा है घर में वो भी खाएगा, और आज वो अपना बनाई है बना के खा ली है। मैं बोल रही हूँ बेटा मेरा कहाँ है, अब खाओगे, बना देती हूँ तो ये बनाइए देखो।